हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिकप्लेक्स मैच हाईलाइट। जी हां, एक बहुत ही बड़ा उलटफेर इस T20 वर्ल्ड कप का हुआ है आज ही के दिन। तो मैच हाईलाइट के साथ मैं संजय बबलू आज आपके बीच में क्रिकप्लेक्स पर, और ये मैच अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा मैच जिसको देखने के लिए और जिसको सुनने के लिए आप भी इंतजार करते रहते हैं, और ये शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि ये टीम बहुत उलटफेर कर सकती है, और वैसे ही हुआ जैसा कि इस मैच में देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूं इस मैच की, तो शुरुआत करते हैं टॉस को लेकर। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मिचेल मार्श ने, और पहले उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया, और इस तरीके से अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी रही। गुरबाज ने बहुत अच्छी तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाया, 60 रन बनाए। इब्राहिम जादरान, इन्होंने भी साथ में कंधे से कंधा मिलाया, और क्या बेहतरीन उन्होंने इनिंग खेली। दोनों ने अर्धशतक पूरे 51 बनाया इब्राहिम जादरान ने, और इस तरीके से 100 रनों की पार्टनरशिप से ज्यादा हुई पहले विकेट को लेकर। और हालांकि कुछ छोटी छोटी पारियां रही, करीम जन्नत ने 13 बनाए, मोहम्मद नबी ने 10 बनाए, इस तरीके से 148 बना 6 विकेट के नुकसान पर। कई बार लगता है कि क्या स्कोर ये छोटा था, लेकिन जी नहीं, अगर आपके पास गेंदबाजी अच्छी है तो आप इस स्कोर को डिफेंड कर जाएंगे। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में, तो पैट कमिंग्स ने 3 विकेट लिया, और तीनों भैया एक साथ लिया इन्होंने। जी हाँ, ऐसा क्यों मैं आपको बताऊंगा। हैट्रिक लिया है, और लगातार ये दूसरी हैट्रिक, बैक टू बैक। पहले इस लिया था उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, और आज के मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ, और ऐसा करने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के पहले और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ये हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। इससे पहले टेस्ट में वसीम अकरम ने किया था, और अब पैट कमिंग्स ने। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने 2 हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इस तरीके से जंपा ने 2 विकेट लिया, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बॉलिंग में आज थोड़ा सा लैप्स हुई है और वो फीका पर नजर आया। जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, जो रन बना के चले आ रहे थे ट्रेविस हेड, उन्होंने केवल खाता भी नहीं खोला, और वार्नर ने बनाए 3, और इस तरीके से शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। मिचेल मार्श ने केवल 12 रन बनाए, मैक्सवेल ने अच्छा खेला 59, और स्टोनिस ने 11। लेकिन बॉलिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, गुलबदीन नईब ने कमाल किया, 4 विकेट लिए 4 ओवर में 20 रन देके। नवीन उल हक ने 3 विकेट लिया, और इस तरीके से एक एक विकेट लिया राशिद खान और नवी ने, और इस मुकाबले को 21 रन से जीत लिया। दोस्तों, अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है सुपर 8 की, कोई भी टीम आधिकारिक तौर पर सुपर 8 में नहीं पहुंची है, लेकिन यह मैच सबसे बड़ा उलटफेर अगर सुपर 8 का देखा जाए या T20 वर्ल्ड कप का। धन्यवाद।